Assalamualaikum friends, मैं सिंसियर टीचर आप ही का यूट्यूब चैनल सिंसियर टीचर पर क्रिप्टो करेंसी की इन्फॉर्मेशन से भरपूर एक और लेक्चर लेकर हाजिर खिदमत हूँ। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई लेक्चर अपलोड हो उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी की अवेयरनेस के लिए मेरे तमाम लेक्चर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। अगर कोई नासर आपको ये लेक्चर पेड सर्विस की सूरत में देना चाहें तो प्लीज़ उनका नोटिफिकेशन और उसकी इतला मुझे ज़रूर दीजिए ताकि ऐसे नासर के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द सख्त कार्रवाई की जा सके। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक एथेरियम के ऑफिशियल वॉलेट माइथर वॉलेट पर मबनी है। तो माइथर वॉलेट ने पिछले दिनों अपना न्यू वर्जन जो है वो अपलोड किया, तो इससे रिलेटेड ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि सर इस पर लेक्चर बनाएँ, तो मैंने सोचा आज इस पे आपको लेक्चर बना दूं। तो चलिए मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माइथर वॉलेट का ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा, काइंडली उस लिंक से ही अप्लाई करें क्योंकि माइथर वॉलेट के ऑलरेडी 2-3 फिशिंग वेबसाइट्स मौजूद हैं जिस पर आपके फंड्स का लॉस हो सकता है। अगर आपका वॉलेट पहले से मौजूद है तो आप एक्सेस माई वॉलेट करेंगे, अगर आपने न्यू वॉलेट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर जाएंगे, और क्रिएट ए न्यू वॉलेट पर जाने के बाद आपके सामने ये तीन ऑप्शन आई हैं, बाय की स्टोर फाइल, बाय न्यूमेरिक फ्रेस। तो अगर हम की स्टोर फाइल से करते हैं, क्योंकि अभी हमने न्यू बनाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे पासवर्ड देना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, सेव माई की स्टोर फाइल। ये फाइल जो है वो आपने सेव रखनी है, ये डाउनलोड की स्टोर फाइल। तो ये आपसे जो है वो कम्प्लीटली तौर पर ये देगा कि आप यहाँ पे इसको कहाँ पे इसको सेव करते हैं। तो इसको हम फिलहाल डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। अब एक्सेस माई वॉलेट, ये देखो ये सॉफ्टवेयर आ गया, बाय की स्टोर फाइल। तो ये आपसे आपकी स्टोर फाइल जो है वो पूछ रहा है कि आपकी की स्टोर फाइल जो है वो किधर पड़ी है। तो ये हमारी की स्टोर फाइल हो गई, यहाँ पे हम इसको पासवर्ड देंगे। और ये हमारा वॉलेट बन गया। ये देखें, ये आपका एड्रेस है। अगर आपने इथेरियम या कोई भी ERC-20 टोकन जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे हैं, जैसे NPXS हो गया, तो अगर आपने मंगवाने हैं तो आप इसमें मंगवा सकते हैं बाइनांस के या किसी भी एक्सचेंज से। उसके बाद अगर आपने सेंड करना है तो इसके अंदर याद रखिए, अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पास टोकन पड़े हैं लेकिन हम सेंड करते हैं वो सेंड नहीं होते। उसकी वजह ये होती है कि आपके इथर वॉलेट में इथेरियम नहीं मौजूद होता। चूँकि माई इथर वॉलेट इथेरियम का ऑफिशियल वॉलेट है और जितने भी ERC-20 टोकन होते हैं वो इथेरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली जो फीस कटती है वो इथेरियम की ब्लॉकचेन ही में कटेगी। तो उसके लिए आपके माइथर वॉलेट में इथेरियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो सेंड करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ पर आपने इथेरियम या जो भी ERC-20 टोकन आपके पास होगा वो यहाँ पर मैंशन हो जाएगा, यहाँ पर अमाउंट लिखनी है, यहाँ पर एड्रेस लिखना है और आपने सेंड ट्रांजेक्शन कर देना है। अब एक और इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारे पास कोई न्यू टोकन आया है, हमने वो बाय किया है लेकिन वो माइथर वॉलेट में कहते हैं हमने भेज दिया है, कंपनी कहती है हमने भेज दिया लेकिन हमें वो नज़र नहीं आता, रिसीव नहीं हुआ। वो असल में रिसीव हो जाता है लेकिन आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा होता चूँकि आपने वो टोकन ऐड नहीं किया होता। तो किसी भी टोकन को मैनुअली ऐड करने के लिए आप गूगल में जाके उस टोकन का लिखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बडी टोकन, ये अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है एक्सचेंज पे आया है, ये ले टोकन एक्सचेंज पे, तो मैं उसको ऐड करूँगा। ये आपके सामने बड़ी टोकन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है,
इसको हम कॉपी करेंगे। इसी तरह आप किसी भी कॉइन का जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस गूगल में सर्च कर सकते हैं, ये आपने कॉपी करना है। यहाँ पे ये देखें, ये कस्टम टोकन्स, ऐड कस्टम टोकन करना है। यहाँ पे ये एड्रेस आ जाएगा आपका, उसके बाद टोकन सिंबल होगी उसका है BUD और डेसिमल्स होंगे 18। तो ये हम यहाँ पे सेव करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे ये सर्कल घूम रहा है, यहाँ थोड़ी देर तक यहाँ पे आपका टोकन ऐड हो जाएगा। ये देखें ये BUD मैंने ऐड किया, ये ऐड हो गया। तो अगर आपके अकाउंट में BUD पड़े होंगे तो ये बड़ी टोकन यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएंगे। इस तरीके से आप टोकन इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस है कि अगर हमने अपना हार्डवेयर वॉलेट इससे अटैच करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं आपको ट्रेजर वॉलेट अटैच करके दिखाऊंगा। ये आपके सामने ट्रेजर वॉलेट है, इसमें हम अटैच करने के बाद गो टू माय ईथर वॉलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे गो टू माय ईथर वॉलेट पे गए, अब आपने एक्सेस माय वॉलेट पे जाना है। एक्सेस माई वॉलेट के बाद आपने हार्डवेयर पे जाना है। हार्डवेयर ही सारे ये वॉलेट आपके सामने लगे हुए हैं। अगर आपके पास नैनो लेजर है ये आप करेंगे यहाँ क्लिक, अगर चूँकि हम ट्रेडर कर रहे हैं तो ट्रेडर पे क्लिक करेंगे। चूज हार्डवेयर वॉलेट, अब ये ट्रेडर के साथ कनेक्ट हो रहा है। अलाउ वंस फॉर दिस सेशन, अब यह आपकी वो की जो है वो ट्रेडर से मैं इसको अपनी की दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं जैसे मैंने की लगाई, ये आपका एड्रेस पूछ रहा है। तो ये मेरा एड्रेस है एक्सेस माई वॉलेट, तो ये आपका ट्रेजर वॉलेट जो है इसके सामने ओपन होगा। ये देखें यहाँ पे अब ये सारे बैलेंस जो है वो शो कर रहा होगा। ये देखें सेल्फ की मेरा तकरीबन इसके अंदर अमाउंट पड़ी हुई है 2 लाख। IMT टोकन पड़े हैं 0.6 की। डिजिटेक्स मैंने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया था, यहाँ पे भी आप ये बैलेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सेंड करना हो जैसे मैं आपको बता रहा था तो एंटायर बैलेंस यहाँ पे एड्रेस देंगे तो ये सेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था टोटल माई ईथर वॉलेट को यूज़ करने का तरीका कि इसमें कैसे आपने ऐड टोकन करना है, कैसे माई ईथर वॉलेट को आपने एक्सेस करना है, ट्रेजर वॉलेट के ज़रिए अटैच करना है। तो इस पूरे लेक्चर में आई होप कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और जिन लोगों के क्वेश्चन थे काफ़ी हद तक वो उनका सलूशन उनको मिल गया होगा। फिर भी इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से कर सकते हो। और इस लेक्चर से अगर आपको 1% भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो जाते जाते इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द हमारी क्रिप्टो मार्केट में अपने फजल से बरकत डाले और जल्द अज जल्द हमें वो दिन देखने नसीब हों जब बिटकॉइन समेत तमाम ही आल्ट कॉइन अपने आल टाइम हाई को क्रॉस करें और हमें अच्छा प्रॉफिट नसीब हो। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबका हम यू नासिर हो। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।